शिव सर, आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल SSC क्लासेस इन माई वे में। देखिए, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था भाई, प्रैक्टिस की थी किसकी, प्रोनाउन की, मतलब प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसी की हम क्या करेंगे आज, प्रैक्टिस करेंगे। हमें देखना है कि किस पार्ट में इसमें एरर है। तो देखिए, सेंटेंस को पढ़ते हैं। बिटवीन यू एंड आई द सेक्रेटरी इज नॉट अ जेंटलमैन। ठीक, बिटवीन यू एंड आई अ सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी इज़ नॉट अ जेंटलमैन, और डी ऑप्शन में क्या है, नो एरर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बताया गया था कि ये प्रीपोजिशन के बिटवीन के साथ जब कभी भी आता है तो इसके साथ जो भी प्रोनाउन आएगा वो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन क्या आई ऑब्जेक्टिव केस में है? नहीं, ये है आपका नॉमिनेटिव केस में। ये किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में है। अब अगर ये नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मी होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो जहाँ एरर है, बी पार्ट में एरर है, और एरर क्या है, गलती क्या है, गलती क्या है, इसे गलती तो खोजनी है, लेकिन गलती आपने पकड़ा तो है क्या? देखिए, तो यहाँ पर होना चाहिए था मी, ये है यू, तो ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होंगे, ना कि सब्जेक्टिव केस। ठीक, आगे देखिए। वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली, नो एरर। आपको एक रूल बताया गया था, आपको एक रूल बताया गया था कि अगर अगर वन आता है तो, अगर वन आता है तो ये इसका जो पजेजिव केस होगा, रिफ्लेक्सिव केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब इसी का होगा। तो ये क्या है, पजेजिव केस है, बिल्कुल है। तो लेकिन वन के साथ ये पजेजिव केस यूज़ करना सही है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वन शुड डू वंस। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। तो देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक, देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, देखिए ये है तीसरा और चौथा पांचवा हम देखते हैं। ठीक, लिखा गया है, लिखा ये गया है कि गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली। देखिए, गुड स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा इसमें सबसे पहले आप ये कोशिश करें कि इसमें से आपका ये जो शुड यूज़ किया गया, ये किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है? क्या आपके इस प्रोनाउन के लिए यू एंड ही के लिए यूज़ किया गया है, या फिर गुड स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया गया है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो शुड यूज़ किया गया है, ये इसके लिए यूज़ किया है। ये तो एक ऑब्सोल्युटली की तरह, मतलब अपोजिशन की तरह है। तो आप समझिए, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड मी, तो ये आ गया है, इस वजह से यहाँ पर यू एंड हिम होना चाहिए, ना कि यू एंड आई ही होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा, गुड स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही, तो इस बी वाले पार्ट में भी यहाँ भी एरर है। ठीक है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है, इधर भी सही है, सब चीज़ें सही हैं। आगे देखिए, यू ही आई आर इन रॉन्ग, यू एंड, देखिए अच्छा आपको एक रूल बताया गया था कि जब कभी भी तीनों पर्सन, तीनों पर्सन मतलब फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अगर ये तीनों पर्सन एक साथ में आए तो इनका सीक्वेंस होता है सेकेंड थर्ड एंड वन, मतलब सबसे पहले पहला सेकंड पर्सन यूज़ किया जाएगा, उसके बाद तीसरा व्यक्ति यूज़ किया जाएगा, मतलब तीसरा व्यक्ति का मतलब थर्ड पर्सन, उसके बाद पहला किया जाएगा। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन में हमने ये आपको बताया था कि जब कभी भी वहाँ पर कोई जुर्म कबूल करने की बात आएगी या कोई गलती मानने की बात आएगी, तब जो उनका सिक्वेंस बनता है वो बनता है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्या बनता है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहां पर होगा आई यू एंड
तो ये प्रोनाउन में आपको बताया गया है, ये आपको शायद नाउन वाले में बताया गया था। तो ये मान के चलें अभी आप सीख लें कि जब कभी भी तीनों प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन अगर साथ में आए तो उनका जो सिक्वेंस होता है वो होता है ये 2 3 1, ये इन्होंने सही लिखा है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन ये था कि अगर कोई गिल्टी की बात करेगा, गिल्टी की बात करेगा, या आप ऐसे लिख लें कि कन्फेशन की बात करेगा, कन्फेशन का मतलब गलती को मानना, तो कन्फेशन की बात करेगा, तो वहाँ पर जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है 1 2 एंड 3, ये बनता है। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कि पार्ट ए में गलत है, लेकिन क्या गलत है, क्या गलतियाँ हैं, गलतियाँ हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड होना चाहिए, ना कि सेकेंड थर्ड फर्स्ट होना चाहिए। ये तो सिंपल सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा है वनली यू एंड हिम कैन डू दिस वर्क फास्ट। तो देखिए यहाँ पर ना ये जो वर्ब यूज़ किया गया है मॉडल ऑक्सिलरी, ये यूज़ किया गया इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी प्रोनाउन हो या नाउन, अगर वो मतलब कोई प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट की तरह काम करता तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है। किस केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव या पॉजिटिव केस में। तो यहाँ पर देखिए ये तो नॉमिनेटिव केस में है, बिल्कुल है। क्या ये नॉमिनेटिव केस में है? नहीं है। ये किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए था? वनली यू एंड ही, वनली यू एंड ही कैन डू दिस वर्क फास्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कि जब कभी भी सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे कोई भी प्रोनाउन तो उनका जो केस होगा वो होगा नॉमिनेटिव केस, और अगर जब वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो एक और आपने देखा था, ये गुड स्टूडेंट शुड इनके लिए यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गए हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, तो ये होगा यू एंड हिम होगा। और यहाँ पर ये जो है यू एंड हिम है, ये इसके क्या है? सब्जेक्ट हैं, तो ये सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सिक्स वाला क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखिए। इफ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस। देखिए, या इफ आई वर हिम आई वुड नॉट मिसबिहेव लाइक दिस। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन है, इफ अगर करके आए, आई वर आए, तो इसके बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव केस में होता है। किस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। तो आप याद रखें, याद ये रखें कि आपको क्या याद रखना है, ऐसे समझें कि जब कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर बने आपका इफ आई वर, अगर ऐसे आए तो इसके बाद जो आएगा, मतलब अगर कोई प्रोनाउन आए, देखिए ऐसे हम ऐसे करते हैं, आफ्टर दिस फॉर्म, ठीक है, आफ्टर क्या, आफ्टर दिस फॉर्मेशन, तो क्या होना चाहिए? प्रोनाउन शुड बी नॉमिनेटिव केस, शुड बी नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? आई, तो अगर पूरा सेंटेंस हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखेंगे, इफ आई वर ही, अगर मैं वह होता, ना कि अगर मैं उसमें होता या फिर मैं उनमें होता, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर मैं वह होता, इसलिए ये कंडीशन ही ऐसी बनती है, तो यहाँ पर क्या होगा? नॉमिनेटिव केस होगा, ना कि वो होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आगे है, आगे के क्वेश्चंस हैं, एवरीवन
अनाउंस्ड वंस प्लान्स इन एंड द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजिडेंट। तो देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि लास्ट टाइम आपने देखा कि जब कभी भी ये आता है तो इसके साथ जितने भी इसके केस आएंगे, जैसे पजेसिव हो गया, नॉमिनेटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो यही सब रहता है। लेकिन उसके बाद आपको ये भी बताया गया था कि अगर एवरीवन आता है, ठीक है, अगर एवरीवन आता है तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, तो एवरीवन जब आता है ना, तो इसके बाद अगर इसमें कोई कोई जेंडर विशेष नहीं है तो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, हीज यूज़ करते हैं। जैसे एनीवन भी आ गया तब भी, एवरीबडी भी आ गया तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, हीज यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, पजेसिव के लिए। तो यहाँ पर होगा एवरीवन अनाउंस्ड वंस प्लान्स, तो यहाँ पर अनाउंस क्या होगा, हीज प्लान्स, एवरीवन अनाउंस हीज प्लान्स, एवरीवन अनाउंस्ड हीज प्लान्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजिडेंट। ठीक है, आगे देखिए, आगे है सी हेल्प्ड एवरीवन ऑफ दोज बॉयज इन डूइंग देयर वर्क। देखिए इसमें देखिए ये है प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन और ये है प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन। तो अब देखते हैं कि कौन प्रोनाउन किसके लिए आया है, तब मजा देगा। देखिए अब समझिए, सी हेल्प्ड एवरीवन, ये तो भाई इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्रोनाउन। एवरीवन ऑफ दोज बॉयज, दोज बॉयज उन बॉयज में से, इन डूइंग वो लड़के जो कर रहे हैं, इन डूइंग देयर, अब देखिए ये है पॉइंट, यहाँ पर देयर की ये देखिए ये यूज हुआ इसके लिए, एवरीवन के लिए। तो आप अभी ऊपर ही देखा आपने कि जब भी एवरीवन आता है तो इसके लिए जो केसेस यूज होंगे वो हिज होंगे, कोई नॉमिनेटिव हो या चाहे जो, नॉमिनेटिव तो ये खुद ही होगा, लेकिन और कोई अगर केस यूज करना होता है जैसे पॉजिटिव हो गया और रिफ्लेक्सिव हो गया तो वो क्या होगा, हिज होंगे, हिमसेल्फ होंगे। तो यहाँ पर होगा इन डूइंग हिज वर्क। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर है, गलती क्या है, ये है गलती क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हिज, न कि ये होना चाहिए, आई बात समझ में। आगे देखिए, आगे है ये दो क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर ड्यूटी। क्योंकि ये पॉइंट आपको समझना है, ये पॉइंट आपको समझना इसलिए है कि जैसे अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई भी नाउन ये प्रोनाउन एवरी से अगर प्रोसीड किए जाए गए, तो अगर एवरी से प्रोसीड किए जाते हैं मतलब ये एवरी इनके पहले एवरी यूज हुआ है तो वो तो एक तो सिंगुलर हो जाते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। तो आप देखिए एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, तो ये भले ही एवरी आते हैं तो वो सिंगल मान लिए जाते हैं, शुड देयर, तो अब जब बताओ वो अगर मतलब सिंगुलर हैं तो क्या उसका जो पॉजिटिव केस होगा वो प्लरल होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता प्लरल। हाँ अब एक समस्या ये है कि टीचर मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, स्टूडेंट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एरर बताना है ना कि एरर को फाइंड आउट करके लिखना है। अगर ये ऐसे होता फिर भी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे हिज और हर, ठीक है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट शुड डू हिज और हर ड्यूटी। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ऑप्शन सी वाले में क्या है, एरर है। आगे देखिए, नीदर ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड देयर रिकॉर्ड्स। आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसके बाद भले ही प्लरल नाउन आ जाए लेकिन ये यूज़ होता है सिंगुलर, इसका वर्ब यूज़ किया जाता है सिंगुलर। अब जब ये सिंगुलर लिया जाता है तो इसके साथ जो पजेसिव केस का ये जो प्रोनाउन आया है वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ये तो प्लरल है, तो अगर ये प्लरल है तो यानी कि गलत है, तो ये सी वाले पार्ट में गलत है। अब क्या गलत है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, हिज ही होना चाहिए न कि और कुछ। हाँ यहाँ पर हर नहीं यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पहले ही जेंडर को मेंशन कर दिया है और ये टू व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो आगे देखिए, ठीक है, आई होप कि समझ में आया। अगला है, ठीक है, आगे देखिए, आगे है सी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी नो एरर। देखिए ये जो अवेल है ना,
अवेल के साथ ना, देखिए अवेल हो गया एंजॉय, और ऐसे वर्ड्स हैं याद नहीं आ रहे, तो ये जो अवेल है एंड एंजॉय है इनके साथ ना जरूरी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव केस आना। इनको अगर यूज़ करते हैं तो इनके साथ रिफ्लेक्सिव केस ज़रूर आने चाहिए। तो आप सोचो कि अगर ये सी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये देखिए सी अवेल्ड ऑफ, तो एरर तो क्या है ए वाले में ही गलत है, ये यहाँ इस पार्ट में गलत है, लेकिन क्या गलत है उसको भी तो हमें समझ में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और बिल्कुल हम ये अच्छा, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो अवेल होता है और इंजॉय, इसके बाद ना हमेशा क्या आना चाहिए, मतलब ये रिफ्लेक्सिव के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर होगा सी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अब ये क्या हो गया, सही हो गया, अवेल्ड हरसेल्फ, ठीक है, ये चीज़ें होंगी। आगे देखिए, आगे है दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन एंड अदर नो एरर। तो इसमें समझना क्या है मित्रों, समझना ये है कि इसमें हमें प्रोनाउन खोजना, अच्छा ये एक प्रोनाउन खुद ही है और ये टू है, तो ये प्रोनाउन वन एंड अदर होता है रेसिप्रोकल। अच्छा ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको ये बताया गया था कि अगर ऐसे करें हम, देखिए ऑलवेज हेल्प वन एंड अदर, दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन एंड अदर। अब अगर ये ऐसे, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है कि अगर ये आता है तो इसके बाद जैसे दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन एंड अदर, तो दोज टू कंपनीज ऑलवेज हेल्प वन एंड अदर, जब कभी भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, अच्छा अगर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज हो तो हम यूज करते हैं ईच अदर, अगर दो दो लोगों के लिए यूज किया जाता तो हम ईच अदर यूज करते हैं, लेकिन अगर और लोगों के लिए यूज करो तो एनी अदर आप यूज कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा आप यूज किया जाता है वन एंड अदर अगर ज्यादा लोग हैं तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोज टू पहले ही मेंशनड है, अगर ये पहले ही मेंशनड है तो यहाँ पर जो वन एंड अदर लगा है यहाँ पर होना चाहिए ईच अदर, क्या होना चाहिए ईच अदर, तो ये जो प्रोनाउन है ये लगना चाहिए आपका, ईच अदर होना चाहिए ना कि ये। आई होप आपको समझ में आया होगा, इवन इफ अगर कोई आपको डाउट है तो आप ज़रूर हमें हमसे कमेंट करिएगा, हम आपको क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।